मुंबई से अहमदाबाद के बीच बन रहे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का काम जोरों शोरों से चल रहा है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन इस पर 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है। इस कॉरिडोर का 21 किलोमीटर का लंबा हिस्सा भूमिगत होगा। खास बात तो यह है दोस्तों, भूमिगत हिस्से में ही समुद्र के नीचे सुरंग बनाई जा रही है। अरब सागर के नीचे 7 किलोमीटर लंबी यह सुरंग भारत की पहली अंडर सी रेलवे सुरंग होगी। इस सुरंग की गहराई जमीन से 25 से 65 मीटर तक होगी। सुरंग के निर्माण के लिए 3 दैत्याकार मशीनों का इस्तेमाल होगा। इन मशीनों को काम पर लगाने के लिए घनसोली, सिलफाटा और विक्रोली में खुदाई चल रही है। इस साल के अंत तक पहली टनल बोरिंग मशीन यानी TBM के काम शुरू होने का उम्मीद है। 21 किलोमीटर लंबे इस भूमिगत मार्ग के निर्माण में कई तरह के चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा, खासकर समुद्र के नीचे वाले 7 किलोमीटर के हिस्से में। यहाँ समुद्र तो तगड़ी चुनौती देगा, साथ ही कई तरह के तकनीकी दिक्कतों से भी सामना करना पड़ेगा। समुद्र के नीचे बन रही यह सुरंग एक सिंगल ट्यूब सुरंग होगी। इसमें बुलेट ट्रेन के आने और जाने के लिए 2 ट्रैक बिछाए जाएंगे। खास बात तो यह है कि समुद्र के नीचे से भी बुलेट ट्रेन अपनी फुल स्पीड यानी 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगा। 21 किलोमीटर लंबा यह भूमिगत मार्ग महाराष्ट्र बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से सिलपाता तक बनाया जा रहा है। इंटर टाइडल जोन में समुद्र के नीचे 7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। कुल 21 किलोमीटर में से 16 किलोमीटर के हिस्से में खुदाई के लिए 13.1 मीटर व्यास वाले कटर हेड लगी टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल होगा। आमतौर पर मेट्रो के लिए सुरंग बनाने को 5 से 6 मीटर वाले व्यास कटर हेड का इस्तेमाल किया जाता है। 16 किलोमीटर में खुदाई को 3 टनल बोरिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी बचे 5 किलोमीटर हिस्से में खुदाई न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड यानी NATM के जरिए होगा। देश में पहली बार समुद्र के नीचे सुरंग बनने जा रही है, इसलिए अभी तक इस तरह के टनल बोरिंग मशीन नहीं है। अब अलग अलग देशों से TBM के पार्ट्स मंगाए जा रहे हैं और यहीं पर असेंबल भी किए जाएंगे। इसके बाद खुदाई का काम शुरू हो जाएगा। सुरंग बनाने को 3 स्थानों घनसोली, सिलफाटा और विक्रोली में खुदाई हो रही है। घनसोली में पहली TBM के इस वर्ष के अंत तक स्थापित किए जाने की योजना है। यह मशीन 39 मीटर गहरे एक शाफ्ट से थाने क्रिक की ओर खुदाई करेगी। इंजीनियरों ने पहले ही विस्फोट कर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की ओर 120 मीटर और सिलपाटा में 110 मीटर की खुदाई पूरी कर ली है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि बुलेट ट्रेन की रफ्तार कैसी होगी और किस तरह समुद्र के नीचे गुजरेगी। दोस्तों, ये छोटा सा अपडेट आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं इसी तरह आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँ।